मैंने तो तेरी बात अच्छी तरह से सुन ली, अब मेरे सवाल का तू साफ साफ जवाब दे। अपने दिल पे हाथ रख के बता कि तू क्या चाहती है। मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो वही चाहती हूँ जो हर औरत चाहती है, एक छोटा सा घर, पति का प्यार, बच्चों की खिलखिलाहट, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद। लेकिन अब मैं उसके लायक नहीं रही, क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं उनके पास? मुझ में तो उनसे नजर मिलाने की हिम्मत ही नहीं है। मौसी ने शायद ठीक ही कहा था, स्वर्ग एक सपना है, नरक ही अपना है। नहीं नहीं रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं, इसलिए तो हजारों लोग कितने सपने टूटने के बावजूद भी सपने देखना नहीं छोड़ते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, तेरे को मारेगा पीटेगा दुत्कारेगा ही ना, और तू इस नरक में वापस आ जाएगी। इससे बुरा क्या होगा रानी, इससे बुरा क्या होगा? कम से कम अपना सपना सच करने की एक छोटी कोशिश ही कर ले। ऐसा कौन सा कारखाना है मां जहां इतनी देर तक काम होता है और इतनी मजूरी भी मिल जाती है कि घर में तुम्हारी दवाइयां भी आ जाती हैं, बच्चे के लिए दूध भी आ जाता है, कपड़े भी आ जाते हैं। मां मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बोलो ना। ठीक है, मैं करुणा से ही पूछ लूंगा, उसकी तो एक झलक ही काफी है, उसकी आंखों में देखकर ही मैं जान जाता हूं कि उसके दिल में क्या है। जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ, जाओ। तुम इतना नीचे कैसे गिर गई करुणा? अपनी सारी शर्मोया बेच डाली तुमने, तुम्हारी तरफ देखते हुए भी मुझे शर्म आती है, घिन आती है तुमसे। औरत के जिस रूप से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी पत्नी वही रूप धारण कर लेगी। नहीं करना, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी कहलाने का, ना ही मेरी मां की बहू कहलाने का, और ना ही मेरे बच्चे की मां कहलाने का हक है। ऐसी औरत से बात करके मैं अपनी इज्जत भी नहीं गंवाना चाहता हूं। मां इसे कह दो कि अपना सारा सामान बांधे और हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। मैं इस नीच औरत के साथ नहीं रहना चाहता हूं, इसे कह दो मां चली जाए यहां से। ये तू ठीक कह रहा है, जब तू इसके साथ रह नहीं सकता है तो किसी न किसी को तो इस घर से जाना पड़ेगा, और अगर कोई जाएगा तो ये नहीं, तू जाएगा ये घर छोड़कर। मां? हाँ, अपना सामान बांध और निकल जाए इस घर से, और जा वहां जहां जाने के बाद तुझे ये भी सुध नहीं रही कि हमारी खबर ले, कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं, हमारी क्या मजबूरियां हैं, हमें क्या तकलीफें हैं, हमारी क्या मुश्किलें हैं। अरे जब मैं खून की उल्टियां कर रही थी ना, तब तू यहां पर नहीं था मुझे दवाई देने के लिए, तब ये हर तरह से लाचार होकर उन दरिंदों के सामने अपने तन को सौंप दिया।